गढ़वा जिला के पुलिस कप्तान श्रीकांत सुरेश राव के निर्देश पर जिला को नशा मुक्त बनाने के लिए सभी पुलिस पदाधिकारी प्रयासरत हैं। लगातार अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन जब से डीजी का आदेश आया है कि कहीं भी किसी भी थाना क्षेत्र में अवैध शराब का धंधा नहीं होना चाहिए, इसे लेकर लगातार थाना प्रभारी द्वारा कार्रवाई किया जा रहा है। हमारे साथ नगर उटारी के थाना प्रभारी मौजूद हैं, इनके द्वारा भी कार्रवाई की गई है। कहाँ पर यह अवैध भट्टी का ध्वस्त किया गया, आइए हम जानकारी लेते हैं। कहाँ पर यह भट्टी संचालित हो रहा है? ये वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर लगातार अवैध शराब के विरुद्ध छापामारी चल रही है। नगर उटारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत अलग अलग क्षेत्रों में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में मंगरदह, पुरैनी, जंगीपुर, पिपरडी और अन्य सभी गांवों में जहां अवैध शराब के निर्माण की सूचना मिलती है, लगातार छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। अवैध शराब बनाने में प्रयुक्त जावा महुआ और उपकरणों को लगातार पुलिस के द्वारा विनष्ट किया जा रहा है। और मेरा ये नगरवासियों से अपील है कि जो भी लोग इस कार्य में सम्मिलित हैं उनकी सूचना हमें अवश्य दें, ताकि पुलिस उस पर है सो कारगर कार्रवाई कर सके। जहां अभी जो तत्काल में आपके द्वारा ध्वस्त किया गया, जहां पर वहां पर कितनी बड़ी मात्रा में अवैध शराब का संचालन हो रहा था, बनाया जा रहा था, और कितने लोग उसमें व्रत थे? वहां पर एक मंगरदह ग्राम में बच्चू दास है, उनके घर पर लगभग 35-40 किलो महुआ था, जिसके माध्यम से वो लोग देसी शराब बनाकर बेचने का धंधा करते थे। महुआ को है सो नष्ट कर दिया गया, लेकिन तैयार शराब वहाँ से बरामद नहीं हुआ था। क्या इस मामले में किसी की गिरफ्तारी भी हुई है या प्रयासरत किया जाए? नहीं, अभी इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जो भी लोग इस तरह के धंधे में लिप्त हैं निश्चित रूप से उनके गिरफ्तारी का प्रयास किया जाएगा। ये अभियान लगातार अभी चलाया? हाँ, ये अभियान लगातार अभी लंबे समय तक चलेगा। जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं उनको पुलिस की ओर से चेतावनी है कि इस तरह की कार्रवाई से बाज आएँ और अवैध शराब के धंधे से दूर रहें। तो आपने सुना कि लगातार कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है जो अवैध शराब का धंधा कर रहे हैं। आपसे यह भी कहा जा रहा है कि आप इस तरह का अवैध धंधों से निजात पाएं, यह बहुत गलत है। साथ ही लोगों से अपील भी की जा रही है कि जहां भी अवैध शराब का निर्माण हो रहा है आप इसकी सूचना दें, ताकि एक साफ सुथरे माहौल की स्थापना हो सके। आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, बंसीधर नगर, गढ़वा।